स्टडी ऑटोम ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है और मैं राजूराम मेडा यहाँ वजीराबाद ग्राउंड से लाइव आपको इंटरव्यू यहाँ पे दिखाऊंगा। बिल्कुल सभी का एक तरफ चित्तो भाई। हाँ भाई, कहाँ से हो भाई? दादरियाड़ो। अच्छा, रिबन दिखाओ पहले। अच्छा, क्या नाम है? संदीप नाम है। स्कोर बताओ। 71.69। कैटेगरी ओबीसी। हाँ भाई, रोड से। क्या नाम है? समर जी। स्कोर बताओ। 65 नंबर। कैटेगरी? बढ़िया भाई। योगेश कुमार अलवर से SC 60। बढ़िया भाई। राजनगर से शामनगर पूर्वी SC। अच्छा भाई। विजय कुमार तवर जयपुर से राजनगर से 64 नंबर। कैटेगरी SC। बढ़िया भाई। भाई रमेश कोटरी OBC 64। अच्छा, कहाँ से हो? राजगढ़। अच्छा भाई, बढ़िया भाई। तो आज हम यहाँ का जो फिजिकल हुआ इनका, इनके संबंध में कुछ बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ एंट्री कितने बजे हुई थी भाई? एंट्री 5 बजे हो गई थी। 5 बजे होने लगे थी। अच्छा, तो यहाँ पे पहले आने से कोई फायदा हुआ? पहले आओ पहले पाओ, ये है। और जो लेट आएगा उसका धूप में होगा। अच्छा, धूप और यहाँ धूल उड़ने वाली चीजें अंदर जो हो रही है, आज भी हो रही है? आज का मौसम ठीक था। अच्छा, 9 बजे सबका कंप्लीट हो गया लगभग। आपका कौन सी ग्राउंड में? अच्छा, बैच नंबर? बैच नंबर 4 था। 4 में कितने लड़के थे? 4 में लड़के थे 60। कितने पास हुए? 49 पास हुए थे फाइनल। अच्छा अच्छा, आपका कौन सा ग्राउंड था? बैच नंबर? सेकंड। अच्छा, कुल कितने लड़के थे? 50 में से फेल कितने हुए? 48। अच्छा, आपका भाई ग्राउंड नंबर 4 था, बैच नंबर 2 था, 48 पास हुए थे बैच में और लॉन्ग जंप में 6 हो गए। अच्छा हाँ भाई, रिबन दिखाओ भाई, रिबन दिखाओ। नाम क्या है? रिबन मेरा नाम है भानु प्रकाश सिंह। कहाँ से हो भाई? मैं शिखर से खाटू श्याम जी। अच्छा, स्टेडियम को पहले से जानते हो? जानते हैं। 46 नंबर आए आपके 50 में से? 50 में। अच्छा, अपने साथियों स्टेडियम के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है। अच्छा, रिकमेंड करोगे? वन नंबर पे। आपका क्या नाम है भाई? रिबन दिखाओ। अच्छा, दिखाओ। तभी अच्छा, अंदर है, चलो कोई बात नहीं, रहने दे भाई। नाम क्या है? स्कोर बताओ अपना। स्कोर 62। कैटेगरी OBC। आपका नाम भाई? मेरा नाम शरण है। शरण की। अच्छा, आपका स्कोर बताओ भाई। 60 है। अच्छा अच्छा, बढ़िया भाई। कहाँ से हो आप? हाँ भाई, मेरा राकेश राठौर नाम है। ठीक है साहब, मेरा नंबर फर्स्ट ग्राउंड में 60 बच्चे बताए थे। हाँ, 3 लॉन्ग जंप में और बहुत ही इजी रनिंग हो रही है। अच्छा, ग्राउंड में कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा, बढ़िया भाई। तो आप सुबह जल्दी आ गए थे, आप यहाँ पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। तो यहाँ जैसे आप एंटर किया तो सबसे पहले क्या हुआ था, कैसे लाइनों में लगे आप? सर, जैसे कि सुबह हम रूम से निकले 4:30 बजे, तो यहाँ पे 10-5 मिनट पहुँच के पास में रूम ले लिया था। ठीक है, 200 रुपए में मिल जाता है कोई बड़ी। ठीक है, आराम से वहाँ से सुबह आए, यहाँ पे लाइन में लग गए पास। हाँ, उसके बाद उन्होंने बताया 5 बजे एंट्री मिलेगी। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद थोड़े थोड़े रनिंग करके वहाँ आगे पहुँच गए ग्राउंड के पास। अच्छा अच्छा, वहाँ पर उन्होंने रोका और उसमें से बैरिकेड लगे हुए हैं उनमें से निकाल दिए। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ से उन्होंने ग्राउंड बांट रखे, एक ग्राउंड, दो ग्राउंड, तीन ग्राउंड पे एक गेट बना रखा है, 4 और 5 पे एक गेट बना रखा है। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ग्राउंड वाइज अलग अलग बिठा दिए सारे बच्चे। अच्छा, लाइन से जो पहले आ गया था लाइन लगाए, पीछे आए जो पीछे तरफ लाइन लगाते हैं। अच्छा अच्छा, और फिर वहाँ से सर फर्स्ट वाइज 50-50 बंदों का बैच वो बनाते रहे। अच्छा, बनाते रहे और दौड़ाते रहे। पहला बैच कितने बजे दौड़ा था? पहला बैच 6:30 बजे। 6:30 बजे। और कुल कितने बैच बने थे? हमारे ग्राउंड में एक नंबर आठ बैच बने थे। अच्छा, 8वें बैच में लड़कों की संख्या लगभग 25 फेल हुए, 25 पास हुए। अच्छा भाई, ये देखो एक नई अपडेट। 8वें बैच लास्ट बैच जो दौड़ा है 9:30 बजे के बाद में 50% फेल हो गए और 50% उसमें पास। वो अभी बहुत बड़ी संख्या में फेल हो रहे हैं। यहाँ फेल होने का कारण क्या? मेन कारण ये धूप की वजह से और मट्टी। रनिंग में या लॉन्ग जंप में? रनिंग में रह गए 25 बच्चे। अच्छा, केवल रनिंग में? वो अभी लॉन्ग जंप में लगभग 7-8 बच्चे रह गए। अच्छा अच्छा, सबसे बढ़िया है जो ग्राउंड नंबर 1 है उसमें ना मट्टी उड़ती ना धूल उड़ती। हमारा ग्राउंड नंबर 1 था उसमें बहुत ही शानदार, अगर जूते बिना जूते में दौड़े बहुत अच्छा था। अच्छा, कौन सा ग्राउंड था? फर्स्ट ग्राउंड। अच्छा, फर्स्ट तो देखो, पहला तो दूसरे ग्राउंड में, एक नंबर ग्राउंड, तो थर्ड बैच में लॉन्ग जंप हाई जंप में कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा? हाँ, रेसिंग में 3 बंदे रहे बस। अच्छा अच्छा, पांच बंदे रहे और लॉन्ग जंप में 3 बंदे रहे, बाकी सब क्वालिफाई है। अच्छा अच्छा, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट करता है सबको, बताता भाई ऐसे करो ऐसे करो, आराम से पास हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वीडियो से बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा, आपके आप
सर आप अपने चाहते हैं आप इसी तरह से लगे रहो, इसी तरह से बढ़ते रहो और बच्चे को मोटिवेट करते रहो। अच्छा स्टडी टॉम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे लड़कों को? और मैं आया नहीं था उससे पहले, मेरे को ये पता चल गया था कैसे बैठना है। अच्छा अच्छा, तो स्टडी टॉम ड्राइविंग स्कूल के लिए आप लड़कों को रिकमेंड करोगे? बिल्कुल। आपने तैयारी कहाँ से की भाई? स्टडी टॉम से। अच्छा अच्छा, आप ड्राइविंग कहाँ सीखना चाहोगे? ड्राइविंग कहाँ सीखना चाहोगे आप? आपको कहोगे वहाँ कर लेंगे सर। कोई नहीं, हमारा तो स्टडी ऑन ड्राइविंग स्कूल है, हम तो हमारे का ही कहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल अपने लड़कों तो ये कहते हैं सर, सारे भाई अच्छे से आए, प्यार प्रेम से आए, किसी से लड़ाई झगड़े को बढ़िया बढ़िया, सभी को हार्दिक शुभकामना और अग्रिम बधाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आना भी कोई का आना भाई, बियर आ जाओ, बस फोटो नहीं आई आपकी यार। अच्छा इधर इधर आ जाओ, सेंटर अटेली तो आपड़ो। और ये साथी इनका भी आज फिजिकल हुआ है, क्या नाम है भाई? मनोज कुमार। रिबन दिखाओ पहले तो, पहले तो इस दिल की पुलिस को दिल में बैठाने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा क्या स्कोर आपका? 80। ओहो, कैटेगरी? ओबीसी। अच्छा फिजिकल हो गया आपका? Yes, कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई सुझाव लड़कों के लिए? कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिस या उसका समझा हो जाएगा। अच्छा आपने रिटन एग्जाम की तैयारी कहाँ से करी थी? मैं ऑनलाइन करते। अच्छा स्टडी ऑटोम से आप करी थी तैयारी? अच्छा सेल्फ स्टडी करी थी। अच्छा भी लड़कों के लिए कुछ आप स्पेशली कहना चाहोगे यहाँ पे? वैसे मैं कुछ नहीं है, तैयारी है वो आराम से लगा लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बेंच में 48 बंदे पास है। चलो चलो बढ़िया है, तो धन्यवाद, जय हिंद वंदे मातरम। मैं वजीराबाद ग्राउंड से लाइव यहाँ पर रासर आपको यहाँ पे लाइव जो है टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद वंदे मातरम।